प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि nginx को सेटअप कैसे करते हैं। इस वीडियो में nginx का एडवांस सेटअप के बारे में देखेंगे, जैसे कि कंप्रेशन ऐड करना, क्लाइंट का साइज, फाइल अपलोड साइज बढ़ाना, हर आईपी पे रिक्वेस्ट का क्या लिमिटेशन होना चाहिए, फिर रिवर्स प्रॉक्सी जो सेट किए उसमें प्रॉक्सी का टाइम आउट कितना होना चाहिए, अगर एप्लीकेशन डिले हो रहा है तो उसमें टाइम आउट कितना होना चाहिए, लॉग फिल्टर कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड कंप्रेशन इन nginx, nginx साइट्स इनेबल्ड में देखेंगे मेरा क्या है, डिफॉल्ट है तो इसमें है डिफॉल्ट सर्वर में यहाँ gzip कंप्रेशन है उसको बंद किया है, तो मैं अभी इसको स्विच ऑन कर दूंगा, इफेक्ट देखूंगा कि क्या होता क्या है। gzip कंप्रेशन ऑन कर दिया, ऊपर आते हैं रिक्वेस्ट पे जो फाइल ट्रांसफर हो गया है 28.5 KB का फाइल से, और जो लोड टाइम 9.43 MS ले रहा है लोड टाइम, टोटल फाइल इतना 29 KB आ रहा है। तो अभी रेस्पॉन्स में देखते हैं, रेस्पॉन्स में कंटेंट इनकोडिंग gzip इनेबल्ड है, कंटेंट लेंथ मिनिमम इतना होना चाहिए वही इनकोडिंग कर पाएगा। इस रेस्पॉन्स को और स्मॉल किया जा सकता है क्या, तो उसके लिए हम यूज करते हैं gzip कंप्रेशन। तो यहाँ पे बताते हैं gzip कंप्रेशन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है विथ सम डिफॉल्ट सेटिंग्स, तो वहाँ आपको डिफॉल्ट सेटिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको जैसे ऐड करना पड़ेगा gzip वेरी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट और txt फाइल है उस पे इनकोडिंग कुछ अलग ढंग से हो, svg पे इनकोडिंग अलग ढंग से हो, jpg पे इनकोडिंग, png पे इनकोडिंग अलग हो, xml पे इनकोडिंग अलग हो, CSS पे इनकोडिंग अलग हो। अभी आते हैं मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ वहां पे 3000, तो यहाँ अगर मिनिमम लेंथ, अगर हम मिनिमम लेंथ 100 कर दें तो 100 लेंथ के फाइल और रेस्पॉन्स को भी ये इनकोड करके भेजेगा। उसके बाद है gzip कंप्रेशन लेवल, कंप्रेशन लेवल जो कंप्रेशन लेवल है, कंप्रेशन लेवल 0 to 9, अगर जीरो रखते हैं, अगर हम जीरो रखते हैं तो जीरो पे कोई कंप्रेशन नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट इसको ऑन रखे या ऑफ रखे वैसा काम हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे हम कंपैरिजन दिए हैं, एक कंपैरिजन है, अगर कंप्रेशन लेवल जीरो है तो 100% ऑफ द ओरिजिनल साइज सर्व कर दिया जाएगा, एक कंपैरिजन स्केल है कि अगर 9 KB का फाइल है तो 17% और ज्यादा कंप्रेस होगा ओरिजिनल फाइल नेम से, 9.45 है वो भी इतना कंप्रेस होगा, 9.50 है तो 70.5 कंप्रेस होगा, 9.6 है तो 17.37 कंप्रेस होगा, 10 KB का फाइल है तो 18% कंप्रेस होगा, 10.6 है तो 19%, इस तरह से एक कंप्रेशन लेवल दिए हैं। टाइप हम यहाँ टाइप डिफाइन करते हैं किस किस चीज को कंप्रेस करना है, तो टेक्स्ट प्लेन है, एप्लीकेशन x-javascript है उसको कंप्रेस कर दो, एप्लीकेशन javascript को कंप्रेस करना है, टेक्स्ट xml फाइल है उसको कंप्रेस करो, टेक्स्ट css फाइल है, एप्लीकेशन xml फाइल है, png फाइल है, jpg फाइल है या इमेज फाइल है svg xml टाइप तो उसको कंप्रेस करना है, gzip बफर कंप्रेशन के टाइम में मैक्स बफर कितना रखना है, एक बफर डिफाइन किया गया है gzip डिजेबल इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए IEMS माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वर्सन 1 से लेकर 6 तक सपोर्ट नहीं करते हैं, जो वर्सन 1 to 6 है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो कंप्रेशन सपोर्ट नहीं करता, उसके आगे का वर्सन सपोर्ट करता है कंप्रेशन, तो उस पे हम इनेबल रखेंगे, लेकिन वर्सन 1 to 6 जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वो कंप्रेशन सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए डिजेबल यहाँ पे, अगर जो ओल्ड वर्सन यूज कर रहे हैं अभी भी, अगर ओल्ड वर्सन को यूज कर रहा है तो उसको भी डिजेबल रखें। तो एक ग्राफ हो गया इसका, कंप्रेस कैसे करते हैं, जो कंटेंट सर्व करने जा रहे हैं वेब सर्वर के थ्रू तो उसको कंप्रेस कैसे कर सके, कि नेटवर्क ट्रांजिशन जो भी रिक्वेस्ट चाहे सर्वर को हिट कर रहा हो तो उसके ट्रांजिशन में कम से कम रिसोर्स जाए, कम से कम नेटवर्क रिसोर्स जाए। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, मेरे पास तो आई है नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है नहीं, वर्सन डाउन का अगर मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो ऐड करने से जो पुराने वर्सन वाले हैं उसमें डिजेबल हो जाएगा कंप्रेशन। अभी इस पूरे चीज को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कंटेंट वेरी ऑन है और मैं यहाँ लाकर रख दिया, टेस्ट करेंगे इसका, सिन टेस्ट करेंगे तो सिंटेक्स मेरा ओके है। सिंटेक्स टेस्ट करने के लिए sudo nginx -t
हाइफन टी चलाते हैं तो बता देगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर कुछ मिसमैच है तो बता देगा यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ऑब्जर्व करना है कि जो रेस्पॉन्स यहाँ पे या 22.9 के भी एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क, तो ये जो है ये डाउन हुआ या नहीं हुआ। अगर डाउन होता है तो वर्क कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पहले कंटेंट आ रहा था 22 के भी का आ रहा था और अभी ये घट के 19.6 के भी हो गया ट्रांसफर रेट। तो यहाँ पे कंप्रेशन लगा है ICO फाइल पे PNG पे एंड जो HTML बाय डिफॉल्ट HTML जो लोड हो रहा है उस पे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मैक्सिमम क्लाइंट लोड साइज क्या होगा। जैसे क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज करता है, इसका चेंजेस तो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन ये रूट में ही आप डालेंगे यहाँ पे कि किसी भी लोकेशन, अगर मल्टीपल लोकेशन भी यहाँ ऐड करते हैं, मल्टीपल लोकेशन ऐसे ऐड करते जाते हैं तो सब जगह डालने की जरूरत ना हो, या बेस्ड ऑन लोकेशन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देते हैं 1 MB मतलब कि 1 MB का अगर फाइल अपलोड करने का हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगाते हैं तो क्लाइंट जो है वो बॉडी में रिक्वेस्ट बॉडी में 1 MB से ज्यादा का फाइल नहीं दे सकता है। या अगर यहाँ पे हम देते हैं 500 MB तो यहाँ क्लाइंट जो है 500 MB तक रिक्वेस्ट बॉडी भेज सकता है, उसमें रिक्वेस्ट बॉडी में जो भी हो फाइल हो या कोई अदर, तो 500 MB तक फाइल भेज सकता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हाउ टू लिमिट द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन क्लाइंट आईपी। जैसे होता है कभी ब्रूट फोर्स अटैक टाइप हो गया या कुछ इस तरह से हुआ, तो उस केस में रेट लिमिट कैसे करें। एक आईपी से अगर है लिमिट REQ जोन, लिमिट रिक्वेस्ट जोन, जहां पे हम बाइंड्री रिमोट एड्रेस को रखते हैं जो क्लाइंट आईपी रहेगा उसको रखेंगे और उसको हम डंप एक डंप पे रेट लिमिट इसका रहेगा। जैसे रेट लिमिट आप जितना भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम अगर दें रेट लिमिट 1 है 10 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, 10 रिक्वेस्ट पर सेकेंड जब रखेंगे और जब हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को तो ये क्या करेगा आईपी, ये प्रोटेक्ट करता है हमें अटैक टाइप से जो फ्रिक्वेंट कर्लिंग किया जा रहा है या स्क्रैप किया जा रहा है डेटा वेब सर्वर से, तो उस केस में प्रोटेक्ट करता है इसको। इस तरह से इसका सिंटैक्स इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ लिमिट जोन को हम सर्वर के बाहर रखेंगे क्योंकि ये ग्लोबली होना चाहिए। आइदर इसको nginx config का HTTP जो ब्लॉक है उसके अंदर रखेंगे या sites available के सर्वर ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम वो यहाँ पे रखे हैं। सर्वर ब्लॉक मेरा ये है और उसके जस्ट ऊपर आइदर इसको हम nginx config के HTTP ब्लॉक में रख सकते हैं। इसका काम होगा बाइनरी रिमोट एड्रेस देना, जो क्लाइंट एड्रेस है उसको एक जोन क्रिएट करेगा। अगर रिक्वेस्ट हाई है 10 रिक्वेस्ट पर सेकेंड से हाई है और 1 रिक्वेस्ट पर सेकेंड से हाई है तो उसका एक डंप क्रिएट करके और उस आईपी को क्लाइंट के आईपी को ब्लॉक कर देना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेट टाइम आउट, जब एप्लीकेशन कोई कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कंप्यूट टाइम ज्यादा ले रहा हो, आपका एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन में ज्यादा टाइम ले रहा हो या कंप्यूट करने में ज्यादा टाइम ले रहा हो, तो उस केस में जो रिक्वेस्ट है वो ड्रॉप होने का खतरा बढ़ जाता है। तो रिक्वेस्ट जब ड्रॉप होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंट को कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और क्लाइंट को रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उस केस में यहाँ पे एप्लीकेशन फेल हो रहा है कंप्यूट में और डेटाबेस ट्रांजेक्शन में। तो उस केस में हम प्रॉक्सी रीड टाइम आउट, कनेक्शन टाइम आउट एंड सेंड टाइम आउट को बढ़ा देते हैं। बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड होता है 60 सेकेंड, लेकिन अगर 60 सेकेंड से ज्यादा टाइम लग रहा है कंप्यूट होने में, ट्रांजेक्शन होने में डेटाबेस के साथ, तो उस केस में हम इसको बढ़ा देते हैं जिससे कि टाइम टू लीव जो रिक्वेस्ट का TTL होता है, टाइम टू लीव TTL वो बढ़ जाए। और TTL जब बढ़ेगा तो रिक्वेस्ट का, क्लाइंट का जो एक रिक्वेस्ट गया है उसका टाइम टू लीव अगर बढ़ेगा तो कनेक्शन उतना टाइम तक बरकरार रहेगा। इसको हम रखते हैं
लोकेशन के अंदर आप देख सकते हैं सर्वर ब्लॉक के अंदर आप जाइएगा तो यहाँ पे ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ लोकेशन के अंदर में हम जहाँ पे प्रॉक्सी पास भेज रहे हैं और जहाँ पे होस्ट सेट कर रहे हैं उसके बाद हम रखते हैं प्रॉक्सी रीड टाइम आउट को। लॉग कैसे फिल्टर करते हैं, बाय डिफॉल्ट लिनक्स का जो भी रिसोर्स है उसमें लॉग स्टोर होते हैं स्लैश वायर स्लैश लॉग फोल्डर में, वहां पे आइदर सब फोल्डर क्रिएट होंगे, nginx है तो एक nginx का सब फोल्डर क्रिएट होगा तो वहां पे हम लॉग व्यू करेंगे। लॉग व्यू दो तरह से किया जा सकता है, एक टेल है और एक लेस है। तो हम यहाँ दोनों ऑप्शंस को देखेंगे कि टेल से कैसे लॉग व्यू करते हैं या लेस से कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे लेस कमांड से, लेस वायर लॉग nginx, यहाँ पे मुझे दो लॉग मिलेगा, एक एरर लॉग मिलेगा और एक एक्सेस लॉग मिलेगा। एक्सेस लॉग वो है जो अभी हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस जो हम कर रहे हैं एक्सेस वो एक्सेस लॉग हुआ। यहाँ पे लेस चलाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे आया गेट एचटीटीपी, ए एचटीटीपी 1.1 प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहा है, 200 रेस्पॉन्स गया, ए यूजर एजेंट हुआ मोजिला फाइ मैकेंटोस इंटेल समथिंग, ए यूजर एजेंट गया और यहाँ पे एक आईपी आएगा, ये आईपी है, ये आईपी है क्लाइंट आईपी जिस नेटवर्क से हम एक्सेस कर रहे हैं इस सर्वर को, यहाँ पे क्लाइंट आईपी आएगा, इस तरह से क्लाइंट आईपी हो गया मेरा। तो इन सब चीज को यहाँ पे हम पास करते हैं। तो nginx में मल्टीपल ऑप्शन है, आप अगर कुछ भी एप्लीकेशन में एरर हुआ होगा तो वहाँ पे एरर लॉग आएगा, यहाँ एरर लॉग आप देख सकते हैं, टू ओपन सॉकेट 11 लेफ्ट इन फोर कनेक्शन aborting something using इतना shared memory power, लेकिन tail आपको नीचे डाउन साइड से स्ट्रीम करेगा nginx access log तो अभी आप देख सकते हैं कि ये access log stream मेरा चालू हो गया। अभी जब हम यहाँ कुछ request करेंगे तो इस ये stream यहाँ करके दिखा देगा कि क्या request किया जा रहा है। इस URL पर request आया है, ये यूजर एजेंट है, रेस्पॉन्स इसको 200 गया है, क्लाइंट आईपी 223.176.116.150 है। तो इस तरह से आप लॉग देख सकते हैं अगर